प्रधानमंत्री आवास योजना में हितग्राहियों से अवैध वसूली का मामला सामने आया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हितग्राहियों को मालूम हुआ कि मकान हेतु दूसरी किस्त नगर परिषद में आ गई। हितग्राहियों के मासूम चेहरे खिल उठे थे, क्योंकि लॉकडाउन और प्रारंभिक बारिश के चलते उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों का कहना है कि नगर परिषद नेमावर में पदस्थ इंजीनियर भूपेंद्र पटेल के द्वारा दूसरी किस्त हेतु 1200 रुपये की मांग की जा रही है, जिसका मामला प्रकाश में आने के बाद लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री आवास की किस्त हेतु इंजीनियर ने 1200 रुपये की राशि और मकान की फ़ोटो मांगी थी। नगर परिषद वार्ड क्रमांक 9 की पूर्व महिला पार्षद अनुराधा जोशी का कहना है कि इंजीनियर भूपेंद्र पटेल प्रधानमंत्री आवास योजना में ठीक तरह से कार्य नहीं कर रहे हैं और हितग्राहियों से रिश्वत मांग रहे हैं। इंजीनियर भूपेंद्र पटेल 1200 रुपये की मांग कर रहे हैं। मैंने 2-4 लोगों को उनके पास भेजा था, सभी ने यही आकर कहा है कि इंजीनियर 1200 रुपये की मांग कर रहे हैं और फोटो मांग रहे हैं, इसके बाद ही अगली किस्त जमा की जाएगी। खाते गांव से सादिक खान की रिपोर्ट। मेरा नाम अनुराधा जोशी है, नेमावर नगर पंचायत में मैं वार्ड नंबर 9 से पार्षद। अभी कुछ दिनों से 4-5 दिनों से इंजीनियर भूपेंद्र पटेल की बहुत सारी शिकायतें आ रही है कि वो ठीक तरीके से प्रधानमंत्री आवास में काम नहीं कर रहे हैं, लोगों से रिश्वत मांग रहे हैं। अभी 2 दिन पहले कुछ लोग आए कि वो 1200 रुपये की मांग कर रहे हैं किस्त डालने के लिए। मैंने अपने पड़ोसी का भी प्रधानमंत्री आवास था, उनको भेजा कि भाई आप पूछ कर आओ क्या बात है, और 2-4 लोगों को भेजा। सभी लोगों ने ये खबर लाया कि पटेल का ये कहना है कि 1200 रुपये और फोटो लेकर आओ, तभी आपकी किस्त डलेगी। मैं खुद गई तो देखे तो ग्राम नगर पंचायत में भूपेंद्र पटेल थे नहीं, ग्राम पंचायत में बैठ के वो ये काम करते हैं। वहाँ गई, वहाँ उनसे पूछा तो बोलते हैं कि 1200 रुपये और फोटो लग रही है। मैंने पूछा किस बात के, बोले नक्शे के। जबकि नगर पंचायत नेमावर में CMO साहब ने जब ये प्रधानमंत्री आवास दिए थे तभी 1350 रुपये की रसीद काट दी थी प्रत्येक व्यक्ति की, प्रत्येक हितग्राही की। 1350 रुपये में मकान बनाने की अनुमति और नक्शा दोनों थे, क्योंकि बाद में लोग परेशान होते हैं, नक्शा नहीं बन पाता है, इसीलिए पहले ले लिए। जब नक्शे के पैसे पहले ले लिए थे तो बाद में 1200 रुपये बिना रसीद के क्यों मांगे जा रहे हैं? ये अवैध वसूली थी, ये प्रूफ हो चुका है। मेरे पास में वीडियो है, कुछ लोग हैं जो बयान दे रहे हैं कि। सर आपका सुनना। मेरा नाम अनिल कुमार जोशी, CMO नगर पालिका नेमावर। आपके नगर पंचायत के द्वारा जो इंजीनियर है उस पर कुछ उंगलियां उठी थी कि उनका ये लोगों का ये कहना था कि इंजीनियर के द्वारा प्रधानमंत्री आवास में पैसे लिए गए थे, कहाँ तक सही है? हमारे इंजीनियर के द्वारा हमने बुलाया गया, मैंने उसको नगर पालिका में, और उससे पूछा गया कि मेरे पास जो शिकायत प्राप्त हुई है इस तरह की शिकायत है, क्या सही है? और सही है तो मुझे बता दे। जिस तरह उसने कहा कि मैंने 22 लोगों से पैसे लिए हैं, कोई से 500, कोई से 400, कोई से 1200, मैंने तत्काल यहाँ के कुछ सभी लोगों को बुलवाया और जिन जिन लोगों के थे मैंने उसी टाइम उन लोगों को पैसा उसी के हाथ से रिटर्न करवा दिया है। तो क्या लोगों ने कबूला कि वास्तव में दिए थे? बिल्कुल स्पष्ट मना कर दिया लोगों ने कि हमने पैसे नहीं दिए। ऐसे कितने लोग थे? मेरे सामने 3 लोग आए और मैं तीनों लोगों को राशि उसी के हाथ से, भूपेंद्र पटेल इंजीनियर जो डेली उस पर है उसके हाथ से रिटर्न राशि करवाई, तो उसी के सामने मना कर दिया कि आपने हमने पैसे ही नहीं दिए। आपने इंजीनियर साहब पे क्या कार्रवाई करी? इंजीनियर को स्पष्टीकरण मांगा गया है और शोकाद का नोटिस दिया गया है, और दोषी पाया गया पूर्ण तरह उसको अपनी सर्विस से निकालने की भी कार्रवाई की जा रही है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।